रानी दुर्गावती अस्पताल की छत से गिरने पर मजदूर की मौत। रानी दुर्गावती चिकित्सालय में शाम के उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मजदूर अस्पताल की छत से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर दिलीप ठाकुर निवासी रांची छत से नीचे बाहर में लोहे का सामान उतार रहा था, इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अपन को फोन आया यहां से कि दिलीप ठाकुर छत से गिर गया, कि कहां से गिर गया, बोले खत्म हो गए, आप आ जाओ। ग्राम रांझी में गिर गए, ग्राम रांझी करौंदी में रहते हैं सर, उस जानकारी नहीं है अपन को। वो ये बोल रहे थे ताले में छत पर शेड बनाने का काम चल रहा था, जो कि करीब करीब समाप्त हो चुका है। तो इस कार्य को श्री दीपेश गुप्ता जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उनका काम समाप्त हुआ था। उनका कोई एक मजदूर आज छत पर कुछ सामान लेने के लिए गया था, जिसका नाम दिलीप ठाकुर बताया गया है। तो वो जब छत पर गया तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो सामान नीचे फेंक रहा था और कोई गाड़ी लेके आया था जिस पर उसको लोड करके ले जाना था। तो लगता ऐसा है कि छत से उसका जो भी हो नीचे गिर गया। वो शेड बन रहा था, उस पर काम चल रहा था पहले से, लगभग काम कंप्लीट हो गया है। आज एक लेबर यहाँ आया था और वो ऊपर टीन शेड में जा करके उसने कुछ लोहे के सामान वहाँ पे रखे हुए हैं दीवार से टिका करके, और वहाँ फिसलने के निशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो ब्रज जो खिड़की के ऊपर है वो थोड़ा झुका हुआ है। तो संभवतः झुके हुए ब्रज में जैसे ही वो नीचे उतरा है तो फिसल गया, उसकी चप्पल भी वहीं, दोनों चप्पलें दिख रही हैं। अब इसकी जाँच की जा रही है कि काम कंप्लीट हो गया था, फिर वो किन परिस्थिति में यहाँ आया।